आज जब पूरी दुनिया पटरी पर लौट रही है, ऐसे में चिरमिरी नगर निगम आज तक सिटी बसों का ऑपरेशन शुरू नहीं करवा पाया है। मार्च 2020 में कोरोना की दस्तक के साथ ही जिले में सिटी बस के पहिए भी थम गए। बसों का संचालन ऐसा बंद हुआ कि चिरमिरी नगर निगम 1.5 साल के बाद भी बस सेवा शुरू नहीं करवा पाई। देखिए, फटी सीट, पंचर टायर, खस्ता हाल बसें, ये तस्वीरें किसी कबाड़ खाने की नहीं बल्कि कोरिया नगर निगम के गैराज में कबाड़ हो रही सिटी बसों की है। दूसरी लहर के बाद पूरा देश अनलॉक हो चुका है, लेकिन कोरिया में सिटी बसें अभी भी अनब्रेक नहीं हुई है और इसका सीधा खामियाजा यहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब स्टूडेंट है, हमको तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ता है डेली पढ़ाई के लिए, किसी काम के लिए, और लेकिन अब वो बंद हो गया है तो कहीं पे भी हम लोग जा नहीं पाते हैं। डेली हम लोग का अप डाउन रहता था, इतना पैसा हम कहां से दे पाएंगे। इतना ही नहीं, लाखों रुपए की लागत से खरीदी गई बसें अब गैराज में पड़े पड़े कबाड़ हो रही है। चिरमिरी की जनता का पैसा आज कबाड़ में तब्दील हो रहा है चिरमिरी के नगर निगम के गैराज में। ये बहुत ही दुखद है, जो हम लोग बहुत पीड़ादायक है, किंतु नगर निगम प्रशासन बिल्कुल कान और नाक बंद करके सोई हुई है, कुंभकर्णी निद्रा में है। कई बार जगाने के बाद आज दिनांक तक भी सिटी बसों का संचालन नहीं हो पाया। उधर नगर निगम प्रशासन अब भी आश्वासन से आगे नहीं बढ़ पाया है। जब से हमारी सरकार बनी है, पिछले 1.5-2 साल से कोरोना काल में निकल गया था, उसमें सारे पूरे प्रदेश स्तरीय ये बंद था और अभी भी मैक्सिमम जगहों पे बंद है, लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवा के, बसेस कुछ खराब पड़ी हुई हैं, किसी के परमिट की जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो सब निराकरण करके जल्दी से जल्दी चलाने की कोशिश करते हैं। सिटी बस लोगों की सुविधाओं के लिए है, लेकिन अफसोस है कि बसें जहां निगम के गैराज में सुस्ता रही है तो आम लोग बिना यातायात के साधन के पैदल चल चल कर हाँफ रहे हैं। कोरिया से सरवर अली के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।